तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आइए, अब आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरीके से वह नजदीक और बहुत नजदीक आ गए थे, ऑलमोस्ट किस करने के लायक। और जो यूए हा के एक्सप्रेशन होते हैं भाई साहब, जब किस करने के दिखाते हैं ना, इसके जो पिक्चर क्वालिटी सारा इतना बढ़ा दिया है कि देखने के बाद तो बौखला गया दिमाग। और ये बात सुनने के बाद हाओ कतई दिल से शांत हो जाता है, उसे गले लगा लेता है और कह लगता है, यूएस है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण आज मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस होने में लगा हुआ है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया और गार्डन गार्डन हो गया मैं तो। और यूए भी ये जानकर काफी खुश होती है और मन में सोचते हैं, हाओ कह लगता है कि मैंने वेइनान को और सिस्टर क्विन को काफी ज्यादा हक किया है और बहुत ज्यादा मतलब समझ रहे हो ना क्या हक वक किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे रिलैक्स महसूस होता है वो युवा के गलों में ही महसूस होता है, युवा के गले लगने के बाद, उसके हक करने के बाद ही। और उसके साथ ही मुझे अच्छा महसूस होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है, जाने की सिस्टर क्वीन है, वो मेरी हाफ सिस्टर है, इसलिए मैं उसके बारे में उल्टा सीधा गंदा सोच नहीं सकता। और बात करें वेइनान की तो हाय तौबा तौबा तौबा, वो तो बहुत ज्यादा डरावनी है। और अगर मुझे इस बात का डर है कि अगर मेरी कुछ डीप रिलेशनशिप उसके साथ बनी तो मेरे साथ ये उल्टा सीधा कर देगी, समझ रहे हो ना क्या उल्टा सीधा, वही वाली ठोकम ठोक, समझ रहे हो ना। और इस समय पर, ऐसे समय पर तो मुझे युवा के साथ होना बहुत 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 ज्यादा पसंद है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और स्माइल मारता है। इस सॉफ्ट और ब्यूटीफुल लड़की को गले लगाना और इतनी अच्छी चीज, फ्रेगमेंट स्मेल आ रही है, आहा, इसकी जो गर्माहट को एंजॉय करने का मजा है ना, वो कतई मजेदार है। तभी अच्छे से कुछ महसूस होता है उसे, यहाँ पर उसे अब पता चलता है कि उसे गर्म और सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि जो युवा है वो अपने मुंह से उसे चाट रही होती है उसकी गर्दन को। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई पप्पी वगैरह हो, क्यूट सी, और उसे चाटना चालू कर दिया है। ये सीन देखने के बाद तो भाई मेरा तो दिमाग लिया, कहता है ये फिर दे चालू हो गई, ठरकी गई की। और जैसे उसे होश आता है कि आखिरकार ये क्या कर रही है, और कुछ लाख रहने लगता है, हे युवा क्या कर रही है तुम अचानक से मेरे साथ, क्योंकि जो युवा का हाथ तो उसके छाती पर होता है, यहाँ पर बिल्कुल मना है, बिल्कुल कतई इस दुनिया में मना है इस तरीके से हाथ डालना, तो समझ रहे हो ना कहाँ जा रहा है। इस दुनिया के अपने दुनिया के हिसाब से तो अलग स्टोरी है, क्योंकि लड़के लड़की को डालते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रखा है। यहाँ पर जो युवा है वो अपना कंट्रोल खो रही होती है, कह रही होती है मैं अपने हाव को किस कर रही हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज और करो किस। तभी हाव उसको रोकता है और उसके हाथ को अपने छाती से बाहर निकालते हुए कह लगता है, युवा तुम्हें इतना ज्यादा इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है, तुम शांत हो जाओ थोड़ा, मैं स्कूल में किसी भी ऐसे तरीके का ड्रामा नहीं पैदा करना चाहता जिसे मैं बाद में पास ना कर पाऊँ। लेकिन युवा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, कहने लगती है भला मैं अपने आप को शांत कैसे करूं, मेरे अंदर ही गर्मी जाग उठी। और तभी हाउस को अपने आप से दूर करता है, जरा पोजीशन देखो किस तरीके से बैठी हुई है, और उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम मंत्र पढ़ना चालू कर दो तो तुम अपने आप को शांत कर लोगी। लेकिन युवा मना कर देती है और कहती है मैं नहीं करने वाली, और उससे कहने लगता है हाँ चला अच्छी बात है तो तुम सबसे पहले शांत हो जाओ तभी मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, और उसका मुंह पकड़ लेता है। और जिस तरीके से उसका मुंह पकड़ा है ना, आह तौबा तौबा। और तभी यहाँ उससे क्या लगता है, चलो मुझे तुमसे एक बात और कहने, जो भी युआन के द्वारा मूवीज तुम्हें भेजी जा रही हैं, सिर्फ उस वीडियो में सिर्फ वही दिखाया जाता है जो कि कपल्स करते हैं, और पहले तो तुमने कुछ इस यहाँ का जमाने का कोई ड्रामा देख लिया है और अब तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रही हो, और अच्छे से जानकारी हासिल करने के बाद प्यार के बारे में तब पता करो कि आखिरकार प्यार होता क्या है, तब तुम मुझे बताना कि तुम मुझे सच में डेट करना चाहती हो या नहीं। और वो एग्री हो जाती है इस बात को लेकर। तभी वो हाउ से पूछ लगती है, अच्छा हाउ तुम मुझे बताओ आखिरकार प्यार क्या है। तभी हाउ से बताता है, प्यार वह है जब तुम किसी के प्यार में पड़ जाते हो और तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते हो और उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो और इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, और जब भी तुम उस बंदी को देखो तो तुम दिल से मुस्कुराओ। और जैसे युवा के एक्सप्रेशन देखता है तो वो कह लगता है और समझ जाता है कि इसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसने वाला है, इसके पास दिमाग ही नहीं है। और कह लगता है अगर सच सच बताऊं तुम कम्प्लीटली सामने वाली पार्टी के साथ रिलैक्स महसूस कर सकते हो और अपना दिल उसके लिए खोलने के लिए तैयार हो, और बिना किसी परेशानी के तुम अपनी शॉर्टकमिंग्स और फ्रेगिलिटी बिना किसी परेशानी को उसे बता सकती कि वो तुमसे नफरत करेगा या उल्टा सीधा करेगा और तुमसे पसंद नहीं करेगा और बातचीत नहीं करेगा, ये सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो तुम मुझे यह बताओ क्या तुम ऐसा कुछ मेरे बारे में सोचती हो। तभी हाँ उससे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सके प्यार के कारण, ना कि लस्ट के कारण। सही कह रहा है, ठरक के कारण नहीं एक दूसरे से प्यार करना है, डेट करना है, जब असली प्यार हो तभी डेट करो। और वो टोटली गंभीर होती है, उसका ऊपर का माला पूरा खाली होता है बिड़ू, तो उसे कुछ दिमाग में घुसता है नहीं है। तभी वो अपने पैरों से युवा को हटाता है और कहने लगता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम कुछ जवानी के और ड्रामास देखो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है, अभी के लिए हमें क्लास में वापस जाना होगा। और तभी मन में सोचते कह लगता है, ये सच है कि मैंने युवा को अपने सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड मान के रखा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे चोट पहुंचाऊं किसी भी तरीके से, और जब समय आएगा तब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने आप से उम्मीद की थी, मैं अभी भी अपने आप पर कंट्रोल करके रखा हुआ हूँ।
और तभी लोग वह बाहर जाना चालू कर देते हैं। तभी उसे लॉन्ग का कॉल आता है, वो उठाता है तो लॉन्ग उससे कहता है, ब्रदर हाउ, क्या तुम क्लासमेट यूएआई के साथ वापस लंच करने के लिए गए हो? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही उसके साथ समय नहीं बिता रहे। जो युआन है उसने उसे यूएआई को कुछ उल्टा सीधा दिखाया है बहुत ज्यादा। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया है? तुम्हें अपने आप को बचाना होगा उस लड़की से। हम जो बॉयज है इस तरीके के कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी हाँ शर्माते क्या लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि युवा का जो दिमाग का ऊपर का जो माला होता है वो टोटली खाली होता है। और तभी वो मन में सोचते क्या लगता है ये कंडीशन जानने के बाद कि शिट मैंने ये क्या कर दिया। वही नान की जो आंखें हैं वो स्कूल में भी भरी पड़ी हुई है, उसकी जेलसी बहुत ज्यादा है मैं इसको लेकर, और मुझे हाल पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मुझे कुछ करना होगा और सेफ साइड के लिए मुझे यूएआई से डिस्टेंस बनाए रखना होगा। और देखकर तो ऐसा लगता है कि आज मैं स्कूल में कुछ ज्यादा ही क्लोज था इसके। और तभी यूएआई से कह लगता है, यूएआई तुम पहले जाओ, मैं कुछ पानी की बोतल खरीद के लाता हूँ अपने लिए। और यूएआई जी सुनकर सरप्राइज होती है कि मेरे साथ नहीं जा रहा, ये अकेले जा रहा है। और वो वहां से चला जाता है उसे इग्नोर कर। और यूएआई देखकर उदास होती है और कह रही होती है, हमें तो साथ में जाना चाहिए था और हमें तो जाया करते थे, लेकिन आज क्यों नहीं। तभी नेक्स्ट सीन हमारा नाइट का शिफ्ट होता है घर का। यहाँ पर उसकी कमेंट में फिर से चल रहा होता है चैट में कि तुम वही बंदे हो ना जो 70,000 सालों में एक बार पैदा होता है, वही मेल गॉड हमारे। और वो मना किए जरा परेशान हो रहा है, भाई मैं नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ। और ये सब उसकी सिस्टर देख रही होती है और फिर से आती है उसके नजदीक और वो माइक उठाकर उससे कहने लगती है, सभी व्यूअर्स से मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि जो मेरा बेबी है वो इस समय पर बहुत ज्यादा थक चुका है, तो लाइव स्ट्रीम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और इस तरीके से सुनने के बाद चैट में बब्बर मच जाता है और कह लगता है, आखिरकार एक वुमन उसके साथ कहाँ से आ गई है, आखिरकार जो लड़की है कौन, क्या हमारे मेल गॉड के कोई गर्लफ्रेंड मौजूद है? तभी एक लड़की कह लगती है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, हमें अपने मेल गॉड पर भरोसा करना हो। आखिरकार कौन सा मेल गॉड इस तरीके से लाइव स्ट्रीम करेगा जिसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और हमारा पैसा चीटिंग कर रहे हो? गलत बात है, गलत बात। तभी ये बात सुनने के बाद जो हाँ होता है उसे क्या लगता है, सिस्टर क्विन क्विन मैं अभी तक बिल्कुल भी थका नहीं हूँ, फिर आखिर आपने आकर मना क्यों किया? तभी वो कहने लगती है, सिस्टर क्विन जब भी तुम गेम खेलना चालू करती हो तो तुम ज्यादा ही खो जाते हो गेम में, तो तुम तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम कुछ समय के लिए आराम कर लो और ब्रेक ले लो। चलो कम ऑन, जल्दी से आ जाओ, इस बेड पर लेट जाओ, तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारा एक फुल बॉडी मसाज देगी। और वो क्या लगता है, अच्छा है अच्छा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हाँ अपनी सिस्टर को इनके गोद में लेट जाता है और मन में सोचते क्या लगता है कि मेरी सिस्टर वाकई में मेरी बहुत ज्यादा चिंता करती है। और वो कहने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर जानती है कि तुम्हारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर काफी ज्यादा बैड इंटेंशन वाले लोग आते हैं, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम कम से कम लाइव स्ट्रीम करो फ्यूचर में, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें बोलो कितना पैसे दे तुम्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए, तो तुम कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाओगे लेकिन। और ये सुनने के बाद वो घबराने लगता है और कह लगता है, क्या आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्या तुम हमेशा मेजरमेंट के बारे में नहीं पूछा करती थी? तभी उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है, तुम तो अभी अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में भी नहीं जानते हो, तुम्हारी सिस्टर वाकई में तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करती है और तुम अपनी अपनी सिस्टर को इस तरीके परेशानी में नहीं डाल सकते, और इस मौके का फायदा उठाते हो, तुम्हारी सिस्टर है तुम्हारा मेजर लेने के लिए आई हुई है। भाई इसके हाथ इशारा क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कॉफी का इशारा या फिर कुछ और ही है। और ये देख सुनने के बाद तो उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और क्या लगता है, आखिरकार मेरी सिस्टर किस बारे में बात कर रही है, क्या मेरे साइज के बारे में बात कर रही है या मेरे कमर के या कपड़ों के, किस बारे में बात कर रही है आखिरकार? समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो ना कि किस बारे में बात चल रही है? और इसी समझ के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार ये किसकी बात कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।